नमस्कार, बी टाउन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए जानते हैं बॉलीवुड की पांच प्रमुख खबरों को। टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 17 लौट रहा है। लगातार शो और इसमें शामिल होने वाले कंटेस्टेंट को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। अब एक और कंटेस्टेंट का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है सलमान के इस शो के लिए एक्ट्रेस रिंकू धवन से संपर्क किया गया था और उन्होंने हाँ कह दी है। 90 के दशक का शो कहानी घर घर की तो आपको याद होगा, जिसमें कमल और पार्वती के परिवार को दिखाया था। वहीं इसी शो की फेमस एक्ट्रेस रिंकू धवन के बिग बॉस सीजन 17 में शामिल होने की खबर है। जी हां, टैली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के मेकर्स ने उन्हें संपर्क किया था और अब उनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि इस बारे में एक्ट्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। द वैक्सीन वॉर विवेक रंजन अग्निहोत्री की रियल बेस्ड कहानी द वैक्सीन वॉर भले ही द कश्मीर फाइल्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर तहलका ना मचा पाई हो, लेकिन इस फिल्म ने कुछ ही दिनों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हां, नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टारर इस फिल्म को लेकर ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री बीते महीने ही सच्ची घटना से प्रेरित एक और कहानी को दुनिया के सामने लाए। उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर बीते महीने फुकरे 3 और चंद्रमुखी 2 के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई। हालांकि द कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म ऑडियंस के दिलों पर वो छाप नहीं छोड़ सकी। द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हर दिन की कमाई के लिए मूवी को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी द वैक्सीन वॉर के साथ, जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ऑस्कर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशी मिली है। जी हां, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया एक लेटर की कॉपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। लेटर में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस की लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शन के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री के स्क्रीन प्ले की कॉपी देने की गुजारिश ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म कल की 2898 है और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साइंस फिक्शन मूवी को नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। अमिताभ के बर्थडे के मौके पर फिल्म से उनका लुक सामने आया है। हालांकि फिल्म का टीजर कुछ दिनों पहले ही आ गया था, जहां अमिताभ की एक झलक देखने को मिली थी। गणपत ए हीरो इज बॉर्न में अमिताभ बच्चन के लुक के साथ कल की 2898 AD में भी उनके लुक को जारी किया गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि वह अपने दोनों लुक में जच रहे हैं। दोनों फिल्में भारतीय सिनेमा की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें एक समान और बड़े फैक्टर वाली बात अभिनेता अमिताभ बच्चन की मौजूदगी खुद है। फुकरे फ्रेंचाइजी एक बार फिर अपना कमाल दिखा रही है। पिछली दो हिट फिल्म के बाद तीसरा पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रहा है। अब तो फुकरे 3 जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फुकरे 3 के बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के 14 दिन पूरे कर लिए हैं। इन दो हफ्तों में कम बजट में बनी इस फिल्म ने तेजी से बिजनेस किया और 100 करोड़ के करीब आ पहुंची है। फुकरे 3 ने शुरुआत से शानदार कलेक्शन करने की कोशिश की है। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दलेक जल्द ही मां बनने वाली हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इस बात की जानकारी दी थी। अब हाल ही में रुबीना ने अपना एक वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में रुबीना को अलग अलग वर्कआउट करते हुए देखा गया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वह सशक्त है, वह अजय है, वह कौन है, वह तुम हो और मुझे तुम पर गर्व है। रुबीना के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल बी टाउन की इस खबरों में इतना ही। आप बने रहिए BCN News के साथ। नमस्कार।